आज हम सीखेंगे हॉस्पिटल यानी अस्पताल से जुड़े अंग्रेजी शब्द, पेशेंट यानी मरीज, डॉक्टर यानी चिकित्सक, सर्जन वे डॉक्टर जो शल्य चिकित्सा करते हैं यानी कि ऑपरेशन करते हैं, डेंटिस्ट दांतों के डॉक्टर, नर्स वे लोग जो मरीजों की देखभाल करते हैं, कंपाउंडर यानी डॉक्टर के वो सहयोगी जो मरीजों को दवा आदि के बारे में बताते हैं, स्टेथोस्कोप दिल की धड़कन नापने का यंत्र, मेडिसिन यानी दवाइयाँ, इंजेक्शन यानी सुई, स्ट्रेचर यानी पहियों वाला वह बिस्तर जिस पर मरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ऑपरेशन थिएटर यानी अस्पताल का वह कमरा जहां शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन किया जाता है, जनरल वार्ड अस्पताल का वह हिस्सा जहां पर आम मरीजों के बिस्तर लगे होते हैं, प्राइवेट रूम यानी कि अस्पताल के वो कमरे जो किसी एक मरीज के लिए आरक्षित होते हैं, लॉबी यानी प्रतीक्षा कक्ष जहां मरीज इंतजार करते हैं, रिसेप्शन यानी स्वागत कक्ष जहां मरीज पूछताछ कर सकते हैं, बिलिंग काउंटर यानी बिल जमा करने का कमरा, टेस्ट लेबोरेटरी यानी किसी भी प्रकार की जांच के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस यानी अस्पताल की गाड़ी जो मरीजों या घायलों को हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। आज से जब भी आप अस्पताल के बारे में बात करें तो उससे जुड़े अंग्रेजी शब्दों को जरूर याद करें और हो सके तो बोलें।